अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान समीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान अपडेट्स। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बहावलपुर कमर्शियल एरिया में। यहाँ पार्क है और पार्क में बच्चों की जो कतारें लगी हुई हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, बड़ी उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं जो यहाँ स्केटिंग सीखने के लिए आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक ट्रेनर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो किस उम्र के बच्चों को जो है सिखा रहे हैं और उनका क्या क्राइटेरिया और कब से जो है ये क्लासेस चली आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक ठाक है सर। आप बताइएगा कि आप कितनी उम्र के बच्चों को सिखा रहे हैं और कितने अरसे से ये काम चल रहा है? सर, 4 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र तक के बच्चों को सिखा रहा हूँ। तकरीबन मुझे सिखाते हुए यहाँ तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं और ये मेरे स्टूडेंट हैं। एक मैच भी इंटरनेशनल खेल चुके हैं जिसमें हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपकी ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, या आप अपने सेल्फ पे ही जो है ना ले के बच्चों को सिखाते?
हाथों में। माशाल्लाह, आप जो है आप बच्चों को इसी ट्रैक पे लेके चल रहे हैं कि वो भी जो है मुल्क और कौम का। जी सर, वो भी मेरे साथ चलें, क्योंकि मैं भावलपुर में नाम बच्चों का रोशन करना चाहता हूँ, जो भावलपुर को ऊपर लेके आना चाहता हूँ। जी तो नाजरीन, ये हमारे साथ थे ट्रेनर जो मासूम छोटे बच्चों से लेके जो बड़े नौजवान हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनका यही मकसद है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनमें फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो ना होने के बराबर हैं। बच्चे जो हैं गेम्स वगैरह में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बल्कि वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आइट साइड और दीगर जो दिमागी बीमारियां हैं उनका जो है रोज़मर्रा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं। ये स्केटिंग ऐसा खेल है, इसके ज़रिए जो है आपको फुल बॉडी जो है वो मूवमेंट में लानी पड़ती है। डिफरेंट तरह की ट्रिक्स होती हैं जो बच्चे करते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, देख के हैरानगी होती है कि वो किस तरह इस तरह के जो मुश्किल स्टंट है वो कैसे कर लेते हैं। तो इन सब की यही अपील है इंतज़ामिया से कि इनको कोई प्रॉपर प्लेस दी जाए ताकि ये बच्चों का जो है मज़ीद बेहतर बना सकें, और ताकि ये जो बच्चे हैं ये इस पाकिस्तान का नाम आगे चलकर रोशन कर सके। आज की रिपोर्ट कैसी लगी, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।